किस तरीके से अंडरपास बनाया हुआ है और अम्बल माता के खूबसूरत नजारे लीजिए आप। वेलकम गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक अनदर वीडियो में सूरी कोटा ब्लॉग के आपके चैनल में। तो गाइस, हम आज आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसा शहर जो दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है, ट्रैफिक सिग्नल फ्री शहर है। तो गाइस, मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ राजस्थान के कोटा शहर की। जी हाँ गाइस, राजस्थान का कोटा शहर एकमात्र दुनिया का दूसरा ऐसा शहर है जो बिल्कुल सिग्नल फ्री है, जहां पर एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। तो गाइस, बिना समय गवाए मैं आपको लेकर चलता हूँ कोटा सिटी में। और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कोटा सिटी का एंट्री जोन है। यहाँ से शहर में एंट्री होती है। फिलहाल हम यहाँ से शहर में एंट्री करते हैं और देखते हैं शहर कितना खूबसूरत है और कितना अच्छा है। तो चलिए गाइस, बिना समय गवाए चलते हैं। फ्लाईओवर है जो उस साइड जा रहा है, वो दूसरी जगह जाता है, जो यहाँ से थर्ड एक और रोड जाती है। और हम लोग जा रहे हैं फ्लाईओवर के नीचे से, जो सीधा शहर के अंदर ये रास्ता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये पहली एंट्री है हमारी और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है और ना ही किसी प्रकार का कोई ट्रैफिक पुलिस वाला यहाँ पर खड़ा है। है गोबरिया बावड़ी सर्किल पर। जी हाँ, आप देखिए इधर से जाने वालों के लिए दो रास्ते हैं। एक तो अंडरपास है, अंडरपास इतना ब्यूटीफुल बना हुआ है अंदर से कि आप सीधे निकल सकते हैं। एक ये मेरे बगल में आप देख रहे हैं ऊपर से रास्ता है, ऊपर से हम लेफ्ट राइट दोनों साइड घूम सकते हैं। तो ऊपर से ना ले जाकर मैं आपको अंडरपास से लेके जाता हूँ। अंडरपास आप देखिए कितना शानदार बना हुआ है और ट्रैफिक जो है ऊपर से लेफ्ट राइट से जाने वाला वो आप देख सकते हैं ऊपर से निकल रहा है और नीचे से सीधा शहर में जाने वाले लोग हैं और इस साइड में शहर से आने वाले लोग हैं। हमारे सामने फिर से एक फ्लाईओवर आ जाता है। ये फ्लाईओवर हमारे शहर के अंदर सिटी मॉल जो है, एक मॉल है, उसमें जाने वालों के लिए नीचे से रास्ता है इस फ्लाईओवर के लिए। सामने जो आपको मल्टी स्टोरी दिख रही है, इसमें जाने वालों के लिए नीचे से रास्ता है यहाँ से। और जो शहर में जाते हैं उन लोगों के लिए सामने सीधा रास्ता है। अंडा सा दिख रहा है, ये हमारे शहर में अभी अभी जो रिसेंटली बना है सिटी पार्क, उसके अंदर बने हुए पक्षी विहार है। जी हाँ, इसमें अनेकों प्रजाति के जो पक्षी हैं वो रखे जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी इसमें किसी भी तरह का कोई पक्षी नहीं है, इसका काम चल रहा है। और ये सिटी पार्क, इसको ऑक्सीजन पार्क भी बोलते हैं। शहर के सबसे व्यस्ततम चौराया और लाइफ लाइन बोले जाने वाले एरोड्राम सर्किल पर। एरोड्राम सर्किल हमारे शहर का सबसे व्यस्ततम चौराया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। और आप चौराहे को एक बार नजर डाल के देखिए कितना शानदार यहाँ का नजारा है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, देखिए ये सिटी में जाने वालों के लिए जो है फ्लाईओवर दे रखा है और ये देखिए आप कितना सुंदर बना रखा है। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर आपको जो है सिटी के अंदर से जाने वाले लोगों के लिए यहाँ पर दिखाते हैं राइट और लेफ्ट, जो हमारे शहर के आधे शहर के उधर से आते हैं
उन लोगों के लिए यहाँ पर देखिए आप अंडरपास बना हुआ है। अंडरपास आप देख सकते हैं कितना शानदार बना हुआ है, आप देखिए कितना बना हुआ है, बिल्कुल राजस्थानी कल्चर और साज सज्जा से। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे ये जो तीन टावर हैं, इनमें रात में जो लाइटिंग होती है गाइस, वो इतनी जबरदस्त होती है कि हर किसी का मन मोह लेता है ये चौराहा। उस साइड में आप देखेंगे राजस्थानी कल्चर में छतरियां बनी हुई है, और इस साइड में आप देखेंगे एक मॉल है, और बाकी जो है ये चौराहा सिटी की तरफ जा रहा है। तो चलते हैं हम, तो आप देखेंगे यहाँ पर किसी तरह का जो है कोई भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, और बिना रोक टोक के यहाँ पर देखिए आप बाइक कार हर तरह के वाहन है जो चल रहे हैं। सर्किल से निकलने के बाद हम आ चुके हैं नयापुरा अंटागढ़ चौराया, इसे अंटागढ़ चौराया भी बोलते हैं और इसे जेडीबी सर्किल भी बोलते हैं। साइड में बना हुआ एक शहीद स्मारक है, आपको देखिए वहां पर, वो जो आपको दिख रहा है वहां पर, थोड़ा जूम करके दिखा देंगे हम इनको। ये जो आप देख रहे हैं वो शहीद स्मारक है। उसके बाद आप देख रहे हैं, आपको दिखाता हूं मैं, यहाँ पर आएंगे थोड़ा सा हम, और जो आपको ये व्हाइट सा पोल दिख रहा है इधर मेरे बगल में, थोड़ा ये जो व्हाइट सा पोल दिख रहा है इस पे हमारे देश का तिरंगा झंडा लगता है, जो इतना बड़ा होता है कि शहर के बाहर से भी नजर आता है। उसे सिर्फ खास दिवस पे ही लगाया जाता है, जैसे कि 15 अगस्त और 26 जनवरी पे। आप मेरे उस साइड में देखेंगे वो है पूरा आर्मी एरिया है गाइस, तो थोड़ा जूम करके हम दिखाते हैं आपको। वहां पर देखिए आप आर्मी का एक टैंक भी रखा हुआ है, वहां पर देखिए सर्किल के ऊपर एक आर्मी का टैंक रखा हुआ है। यहाँ से पूरा आर्मी एरिया शुरू होता है और ये पूरा आर्मी एरिया स्टेशन तक जाता है, और ये जो सीधी रोड जा रही है ये जा रही है हमारे शहर के रेलवे स्टेशन को, जो कि दिल्ली मुंबई रेलवे स्टेशन के बीच का सबसे हाई शहर है। ये देख सकते हैं यहाँ भी राजस्थानी कल्चर को दोहराया गया है, चौराहों पे जो है छतरियां हैं वो लगाई गई है। और गाइस जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए आप अंडरपास भी इतने सुंदर बनाए हुए हैं, आपको एकदम लगेगा कि आप जैसे राजस्थान के कोटा शहर में नहीं, आप कहीं सऊदी अरब के किसी शहर में आ चुके हैं। देखिए आप कितने प्यारे प्यारे खजूर के पौधे लगे हुए हैं चारों तरफ, देखिए आप किस तरीके से अंडरपास बनाया हुआ है, और ऊपर से जो है ओवरब्रिज निकाला हुआ है। आप देख सकते हैं इस चौराहे पर भी किसी भी प्रकार का कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, और चौराहा है जो इतना सुंदर देखो आप सजाया हुआ है कि आप यहाँ पर बैठकर रेस्ट भी कर सकते हैं अंडर ब्रिज के नीचे। देखिए आप कितना शानदार नजारा है यहाँ का। स्टेशन से चलने के बाद ये हमारा सबसे पहला चौराहा आता है जो पूरी तरह से सिग्नल फ्री है, इसको बोलते हैं अदालत चौराहा। और देखिए आप कितना खूबसूरत चौराहा है, ये चार हाथी के स्तंभ यहाँ पर देखिए आप इस चौराहे की शान बढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं नयापुरा चौराहे की तरफ। तो गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, चलते चलते हम लोग रुके हैं यहाँ पर पेट्रोल पंप पे पानी पीने के लिए। अभी उमस और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पानी ठंडा नहीं है, तो आगे चलते हैं। तो गाइस अभी हम रुके थे पेट्रोल पंप पे पानी पीने के लिए, और मुझे यहाँ पानी ठंडा नहीं लग रहा था, तो अचानक से इन्होंने आवाज़ दी और बोली कि हमारे यहाँ पर ठंडा पानी है, और इस बहाने हमने इनको अपना चैनल भी सब्सक्राइब करा लिया। चौराहे से चलने के बाद अब हम आ चुके हैं स्टेडियम सर्किल पर। जी हाँ गाइस, ये है हमारे शहर का स्टेडियम, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों स्टेडियम यहाँ पर बने हुए हैं, और आर्मी एरिया है इस वजह से देखिए आप कितना सुंदर सर्किल है। पृथ्वी के जो ग्लोब है उस ग्लोब के ऊपर हमारे सैनिक हैं वो बैठे हुए हैं, और
गाइस हम अदालत चौराहे से स्टेडियम चौराहे से होकर सीधे हम लोग आ चुके हैं हमारे कोटा शहर के नयापुरा सर्किल पर। नयापुरा सर्किल पर आपको स्वामी विवेकानंद की बहुत बड़ी प्रतिमा दिख रही है मेरे पीछे। ये जो सर्किल है ये पूरा बना हुआ है हमारे राजस्थान की थीम पर। यहाँ की जो दुकानें हैं, यहाँ के जो होटल्स हैं, उन पर आपको राजस्थानी थीम पूरी नजर आएगी। तो बिना समय गवाए मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा नयापुरा सर्किल। चलते हैं हम लोग। नयापुरा सर्किल से नयापुरा चंबल पुल पे होते हुए हम लोग अब आ चुके हैं। आपको दिखाता हूँ, ये है चंबल पुल। जी हाँ, ये हमारे कोटा की लाइफ लाइन है। ये नदी हमारे कोटा के लिए जीवनदान भी है, वरदान भी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा कैमरा जूम करके। ये है चंबल। ये देखिए आप, ये आप देख रहे हैं, ये चंबल हमारे शहर से होती हुई सीधी एमपी में जा रही है। मध्य प्रदेश से ही शुरू होती है और आगे जाकर मध्य प्रदेश में ही मिल जाती है। ये हमारे शहर की लाइफ लाइन है और शहर को हरियाली और पानी इसी नदी से मिलता है। इसके बाद अब आपको मैं, ये जो आपको मैंने पार्ट दिखाया, उसके बाद हम मैं अपने शहर का सबसे खूबसूरत आपको पार्ट दिखा रहा हूँ। और आप गाइस यहाँ देख सकते हैं, ये है चंबल रिवर फ्रंट। जी हाँ गाइस, ये चंबल रिवर फ्रंट है जो हमारे राजस्थान की इको टूरिज्म इंडस्ट्री में एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर नज़ारा है और इसको राजस्थान टूरिज्म में जोड़ दिया गया है। आप भी रिवर फ्रंट आइए, उस चंबल नदी के, चंबल माता के खूबसूरत नज़ारे लीजिए। आप देख सकते हैं चारों तरफ राजस्थानी थीम, राजस्थानी बेस पर जो है ये पूरा एरिया बसाया हुआ है। और यहाँ पर आप इस साइड देखिए, सफ़ेद घोड़े और उनके ऊपर की डिजाइनिंग देखिए। ये जो है महल के पुराने बुर्ज हैं जिनके ऊपर राजस्थानी थीम में जो लोग बसे हुए हैं उनके घरों को रंग दिया गया है। और ये देखिए पीछे आपको दिख रहा है, वो है थर्मल पावर प्लांट। बहुत खूबसूरत ये हमारा चंबल रिवर फ्रंट है। तो गाइस मैं आपसे एक बार यही कहूँगा कि कभी भी आप आएँ और चंबल रिवर फ्रंट घूमें। बहुत खूबसूरत शहर है हमारा, अभी तो ये शुरुआत है, नज़ारे हैं, हम बीच में पहुँच चुके हैं। तो गाइस हालत हो चुकी है ख़राब, और क्योंकि गर्मी भी है, हवा भी चल रही है, हेलमेट भी यूज करना पड़ता है क्योंकि शहर ट्रैफिक फ्री है, पुलिस फ्री बिल्कुल भी नहीं है। जगह जगह ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं जो हमारी सेफ्टी के लिए हमें हेलमेट देते हैं, सॉरी हेलमेट देते नहीं, हेलमेट हमारा होता है, हमारा सिर्फ चालान बनाते हैं। तो हेलमेट लगाने की वजह से बाल भी थोड़े ऐसे हो गए हैं, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हवा चल रही है, इतना खूबसूरत नज़ारा है मेरे पीछे आप देखिए। तो आगे के और भी खूबसूरत नज़ारे आपको एक्सप्लोर कराता हूँ, और भी चौराहे हैं आपको एक्सप्लोर कराता। तो गाइस नयापुरा चौराहे से हम गए थे चंबल रिवर फ्रंट। चंबल रिवर फ्रंट से अब मैं लेकर आया हूँ हमारे शहर का हार्ट, जिसको बोलते हैं हमारे शहर का दिल, वो है किशोर सागर तालाब। जी हाँ, किशोर सागर तालाब राजा महाराजाओं के ज़माने से बना हुआ तालाब है, जिसे गवर्नमेंट ने और ज़्यादा डेवलप कर दिया है और इतना ब्यूटीफुल और सुंदर बना दिया है कि यहाँ के नज़ारे देखते ही बनते हैं।
और आप मेरे इस साइड देखेंगे तो ये है सीवी गार्डन। सीवी गार्डन है, ये भी राजा महाराजाओं के घूमने की जगह थी, उसी टाइम का बना हुआ है। तो फिलहाल इसमें एंट्री चार्ज लगता है, तो वहाँ पर है जो टिकट कटते हैं वो मैं आपको फिर कभी और टाइम दिखाऊंगा। और अब आप देखिए मेरे इस बगल में जो है वो है किशोर सागर तालाब। जी हाँ, किशोर सागर तालाब एक तरह से हमारे शहर का दिल है। ये जो आप सामने देख रहे हैं इनमें रात में म्यूजिक लाइट शो होता है। जी हाँ, यहाँ पर लाइट शो होता है रात को। तो ये जो आपको फव्वारे दिख रहे हैं इनके ऊपर लाइटिंग चलती है और उसके ऊपर है जो वीडियो दिखाई जाती है, राजस्थानी कल्चर के गाने, कोटा के बारे में जानकारी है वो दिखाई जाती है और वो सब पानी के ऊपर चलता है। अगर तालाब के बीच में जो ये बना हुआ है ये राजा रानी का किसी समय पर महल या कक्ष कहते हैं वो हुआ करता था और यहाँ पानी भरा रहता था तो राजा रानी आकर यहाँ पर रेस्ट करते थे। से हम रोड क्रॉस करके आते हैं इस साइड में। इस साइड में जब हम रोड क्रॉस करके आते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सीवी गार्डन। जी, सीवी गार्डन भी एक तरह से हमारे शहर का ऑक्सीजन पार्क है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इसमें एक तालाब बना हुआ है, उसमें पैडल बोटिंग भी होती है। और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर, आपको जूम करके दिखाते हैं, यहाँ पर जो है वो कमल के जो है फूल लगे हुए हैं। इसमें कमल के फूल होते हैं पिंक और वाइट कलर के, काफ़ी बड़े बड़े इसमें हैं जो कमल लगते हैं। टॉय ट्रेन भी चलती है, जैसा कि आपने अक्सर पहाड़ों में देखा होगा जो पहाड़ों बोलते हैं वो हमारे यहाँ भी चलती है। मेरे पीछे जो आप ये सड़क देख रहे हैं इसी के जस्ट नीचे उसकी पटरी बनी हुई है और शायद अभी किसी कारणवश बंद है, लेकिन वो शाम को 7 बजे तक चलती है, सुबह 9 बजे से लेकर। तो कभी कोटा आएँ तो इसमें ज़रूर बैठें और ज़रूर घूमें। तो चलते हैं हमारे मेन मकसद की तरफ, नेक्स्ट हो रहा है एक्सप्लोर करने। और सागर तालाब से घूमते हुए हम आ चुके हैं गुमानपुरा फ्लाईओवर पर। और आप देख रहे होंगे फ्लाई ओवर पर ये जो जालियां लग रही है दोनों साइड में, ये शीटें अभी रिसेंटली 1 साल पहले ही लगाई है। पूरा चौराया यहाँ पर गाइस एक टाइम पर इतनी भीड़ होती थी कि ट्रैफिक में निकलने के लिए 20 मिनट से आधा घंटा लग जाता था, लेकिन अब हम 15 से 20 सेकंड में निकल जाते हैं। ये है घोड़े वाला चौराया। जी हाँ, इसको घोड़े वाला बाबा चौराया बोलते हैं। और ये जो आप सर्किल देख रहे हैं इसकी नक्काशी पूरी मार्बल से की हुई है। यहीं से अब हम शहर के दूसरे हिस्से में चलेंगे। और ये जो चौराहे अगर आप देख रहे हैं गाइस, तो बेहद ही सुंदर नक्काशीदार और बेहतरीन चौराहे हैं जो इस हमारे सामने जो आप ये देख रहे हैं ये है CAD सर्किल। और ये जो स्तंभ आप देख रहे हैं ये विद्यासागर कीर्ति स्तंभ है, जो आचार्य हैं श्री श्री 108 जो आचार्य हैं जैन समाज के। तो ये है जो स्तंभ जैन समाज को समर्पित है, हमारे जो शहर का स्तंभ है ये। इसके आगे अब हम चलते हैं, इसके आगे अब कोई सर्किल नहीं आने वाला है, इसके आगे अब सीधा एक फ्लाईओवर आने वाला है, उसके आगे दो छोटे छोटे सर्किल आने वाले हैं, उन पर भी किसी भी तरीके का कोई भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं लगा हुआ है। इसके बाद अब हम चलते हैं जवाहर नगर। अब हम पहुंच चुके हैं जवाहर नगर ओवरब्रिज, और यहां पर ट्रैफिक फ्री करने के लिए इस ओवरब्रिज को 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा बनाया हुआ है। मेरे हिसाब से 2 किलोमीटर तो होगा ही होगा। जो हमारे शहर के दो चौराहों को कवर करता है, पहला है जवाहर नगर
दूसरा है केशवपुरा चौराया। इन दोनों चौराहों को क्रॉस करने के बाद ये सीधा उतरता है ओपेरा रोड पे, उसके बाद वो निकल जाता है सीधा महावीर नगर फर्स्ट चौराहा, उसके बाद महावीर नगर सेकंड चौराहा है, उसके बाद सीधा मेडिकल कॉलेज और लास्ट स्टॉपेज होता है गणेश जी। इस बीच में कोई सर्किल कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है तो वहाँ तक मैं आपको नहीं ले जाऊँगा। हम अपनी यात्रा को इस लास्ट जो है ये हमारी डेस्टिनेशन है, बस इसके बाद हम सीधा आप घर की तरफ निकलेंगे, क्योंकि पिछले 6 घंटे से हम लोग शहर ही घूम रहे हैं, उसमें भी हमने सिर्फ मेन शहर घुमाए, दाएं बाएं मैं आपको लेके बिल्कुल नहीं गया हूँ।